हेलो व्यूअर्स, आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर को। यही वीडियो रे मैं आज एलजेब्रा रो इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। तेणु चलंतु यार प्रथम क्वेश्चन टी को देखिबा। प्रथम क्वेश्चन टी होची इफ ए प्लस बी इक्वल टू 12, ए बी इक्वल टू 22, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। आमको एठारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू बाहर करने पड़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू को आम दुईट फर्मुला द्वारा आम बाहर करें। आम मानक जना अच्छी ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला। ए प्लस बी होल स्क्वायर हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक से ही ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आम देखुचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए जगह मध्य रही स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रही। जदि आमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दरकार तेज आम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला टी लिखिपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2ab। पार्श्व परिवर्तन करिवो ताहले से ए प्लस बी होल स्क्वायर थरो जाइकी माइनस हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस लिखा 2ab। ठीक से ही ए माइनस बी होल स्क्वायर मध्य आम ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला टी आम बाहर करपर। यह बाहर करने आमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा पड़ो। तेज आमको माइनस 2ab को पार्श्व परिवर्तन कर ए साइड को आने पड़ो और यह पार्श्व परिवर्तन कले माइनस चिन्ह टी एपटक आसे प्लस चिन्ह हो तेणु यार फर्मूला टी हे ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दुईट फर्मूला रही है। आम कौ फर्मूला टी एप्लाई करवा आमको क्वेश्चन दिखाई ए प्लस बी इक्वल टू 12, ए बी इक्वल टू 22। तेल जो फर्मूल आमको ए प्लस बी दिखाई आम से फर्मूला टी एप्लाई करवा। प्रथम फर्मूला देखो ए प्लस बी अच्छे जगह कि सेकेंड फर्मूला ये ए माइनस बी अच्छी तेणु आम प्रथम फर्मूला टी ये एप्लाई करवा। फर्मूला अनुसार आम लिखा जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस लिखिपर 2ab। यही फर्मूल आमको वैल्यू गुड़ी बसापी पड़ो ए प्लस बी जगार आम कौन लिखा 12 लिखा तेणु ये जगह 12 रो स्क्वायर हो गला माइनस ए जगह 2 इंटू ए रही 2 रहा ए जगह ए वैल्यू लिखा ए वैल्यू हूँ 22 तेणु से जगह आम ए जगह 22 वैल्यू बसइले इक्वल टू 12 रो स्क्वायर हो 144 माइनस 22 को 2 सहित गुणन कले 44 आंसर आसो। तो बर्तमान आमको ए जगह माइनस करवा द्वारा 144 रू 44 गले आंसर आसो 100। तेणु आमको जो क्वेश्चन पचार है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी हम तेणु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आस 100। आप आंसर टी देखी दिखते कि भाव में बाहर क्वेश्चन थी ए प्लस बी 12 दिखाई ए इंटू बी अच्छी 22 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू के हम से पचार तेणु ये जगह आम फर्मूला टी एप्लाई कलु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। फर्मूला टी किपर बाहर आपड़ ये सैड्रे देखिपर ए जगह आम फर्मूला टी बाहर करूँ। फर्मूला अनुसार आम लिखिदे फर्मूलार वैल्यू को आम बर्तन बसवा ए प्लस बी क्वेश्चन ए प्लस बी वैल्यू 12 थी तेणु ये जगह आम 12 से जगह लिखीचु। ठीक यही भाव में ए वैल्यू 22 थी ए जगह आम 22 लिखल दुईज को गुणन कले 44 बाहर 12 स्क्वायर है 144 माइनस करदे आंसर आसगला 100। 12 स्क्वायर मैंने 12 को 12 सहित मल्टीप्लाई करें बार को 12 गुणन कले 144 बाहर आप ठीक भाव बुझीपारे। ठीक अच्छे आम सेकंड क्वेश्चन को देखा। सेकंड क्वेश्चन टी आम रोचे इफ पी प्लस की क्यू इक्वल टू 10 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 देन दि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी विल बी। आमको ये जगह पी प्लस क्यू वैल्यू दिखाई पी क्यू दिखाई पी क्यू है 5 पी प्लस क्यू है 10 तेणु आमको बाहर करने पड़ो पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी। पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी इक्वल टू ए जगह आम एलसीएम नहीं पार्बा पी आउ क्यू एलसीएम नहीं गले आंसर आसो पी क्यू। ए जगह क्यू को आम ये हरण कले बाहर कि ये पी रही तेणु पी को आमको पी सहित मल्टीप्लाई करने पड़ो आपने जानते हैं तेणु यह आम ये लिखा पी स्क्वायर प्लस ये लिखा आम पी को एलसीएम सहित हरण कले पी कैनसल हो क्यू रोह क्यू को क्यू में मल्टीप्लाई कले ये आसो क्यू स्क्वायर। ठीक अच्छे बर्तमान आमको जेटा देता क्वेश्चन पचार पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी यार वैल्यू केते बाहर करो आम ताको लिखे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू तेणु यार जब आम वैल्यू बाहर करदे तेणु आम क्वेश्चन जहाँ देता तार वैल्यू बाहरी या कि भाव में सल्व करेंगे ये पुणी आगे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देती कि क्वेश्चन आमको देती पी प्लस क्यू इक्वल टू 10 तेणु पूर्व जो आम एप्लाई करूँ फर्मूला ये फर्मूला जो आम एप्लाई करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ताको आम से जगह ये एप्लाई करेंगे। ये आम कौन लिखा ये आम फर्मूला जगह लिखिपर पी प्लस क्यू होल स्क्वायर जेहतु से पी प्लस क्यू रही है ये आमको पी प्लस क्यू होल स्क्वायर लिखापी पड़ो यू जब आम 2pq को माइनस करदे आंसर टी कौन बाहर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाहर डिवाइडेड बाय पी क्यू टी को ये जगह लिखापी पड़ो पी प्लस क्यू जगह लिखा 10
टेन रही स्क्वायर माइनस टू अच्छी टू रही है पी क्यू जगह लिखा पी क्यू जगह फाइव दिखाई तो पी क्यूर भैल्यू है फाइव डिवाइडेड बाय पी क्यू लिखा पड़ो पी क्यू जगह एगेन आम फाइव लिखा इक्वल टू के हम टेन स्क्वायर होगा हंड्रेड माइनस करवा फाइव इंटू टू गले टेन डिवाइडेड बाय फाइव तो या सल्व कले हंड्रेड टू टेन गले नाइंटी डिवाइडेड बाय फाइव नाइंटी को फाइव रे डिवाइड कले आंसर आसो एटीन अठर पंचा है नबे आमर आंसर बाहर एटीन। एवं थर्ड क्वेश्चन टे देखो इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एंड एक्स वाई इक्वल टू फोर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर। यही केस सल्व करने दुई थर ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला को अप्लाई करने पड़ो आमको जना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी आम कहीं फॉर्मूला पकेबा कारण आमको ये जगह एक्स प्लस वाई दिखाई तेरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बर्तमान ये जगह आम तार वैल्यू गुड़ाक पुट करवा एक्स प्लस वाई जगह टेन लिखा टेन स्क्वायर है माइनस टू रहा एक्स वाई जगह एक्स वायर वैल्यू दिखाई फोर ता वैल्यू लिखे आम फोर बर्तमान आंसर टी हम टेन स्क्वायर है हंड्रेड माइनस ये कर फोर इंटू टू होगा एट हंड्रेड रु एट को माइनस कले आंसर बाहर नाइंटी टू बर्तमान आमको संपूर्ण आंसर टी बाहर ना एवं आमको एगेन आहरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उपर आमको आउ थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला पकेबा पड़ो ये आम लिखिपर एक्सर पावर फोर एक्सर पावर फोर को किभ भाव में लिखी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर मुझे लिखिपर एक्स पावर फोर को मुझे एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिखिपरि कहीं टू को टू में मल्टीप्लाई कले एक्स पावर फोर बाहर प्लस वाई पावर फोर को मुझे जगह वाई स्क्वायर स्क्वायर लिखिपरि कहीं वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर होगा कैसे होगा टू इंटू टू मैंने फोर बाहर मुझे कहीं कल कहीं मुझे एक्स स्क्वायर को मन मन मुझे ए भावि वाई स्क्वायर को मन मन बी भावि तो ये जगह पुणी आउ थे से ही सेम फर्मूला पड़ जा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आम बी भले धरीचे तेनाली स्क्वायर हो गला ए जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मूला पड़े आम एटा को ये भाव में लिखिपर एटी फर्मूला अनुसार आम कौन लिखिपर ए प्लस बी होल स्क्वायर करने पड़ो आम ए को धरीचे एक्स स्क्वायर तो ये जगह लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी जगह लिखा वाई स्क्वायर रोल स्क्वायर लिखिपर माइनस के टू ए बी करवा तो टू लिखिले ए क्या नहीं एक्स स्क्वायर को ए नहीं टू इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू के लिखा वाई स्क्वायर लिखा इक्वल टू ये जगह आम ये कौन करा बर्तमान आम संपूर्ण भाव में लिखिपर जहाँ है एक्स स्क्वायर स्क्वायर मैंने एक्स पावर होगा फोर प्लस ए जगह वाई पावर फोर होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जगह आम बाहर करे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू होगा नाइंटी टू तो बर्तमान आम ये जगह आम नाइंटी टू लिखिपर नाइंटी टू स्क्वायर होगा माइनस टू रहा आपको मुझे एक्स आउ वाई होल स्क्वायर बोली लिखिपर कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छी आपको एक्स वाई होल स्क्वायर मैं लिखा जापर तेना बर्तमान ये नाइंटी टू स्क्वायर बाहर करने पड़ो माइनस तक को टू इंटू एक्स वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैल्यू दी है आमको फोर तेनाली एक्स स्क्वायर जगह आम लिखिपर ये फोर स्क्वायर नाइंटी टू स्क्वायर के हम नाइंटी टू स्क्वायर आम ये बाहर करें टू प्रथम स्क्वायर लिखा नाइंटी टू स्क्वायर को आम नाइंटी टू इंटू नाइंटी टू नक किभ बाहर करें देखो टू स्क्वायर होगा कैसे टू स्क्वायर होगा फोर प्रथम आम फोर लिखे तापर आम टू को नाइन सहित मल्टीप्लाई करवा टू इंटू नाइन मैंने केतन है एट्टन जहाँ भी ये बाहर ताको आम एगेन टू सहित मल्टीप्लाई करवा जदि दुई अंक विशिष्ट कौन गोटे संख्या रही तार प्रथम एकक अंक को आम एकक अंक आम तार वर्ग लिखिले स्क्वायर बाहर कले दुई स्क्वायर होगा फोर कहीं टू इंटू टू है फोर तापर संख्या दुटा को आम ये तार अंक गुड़ाक गुणन करवा नौ को दुई में गुणन कले अठर है जहाँ भी बाहर ताको एगेन आम दुई में गुणन करवा अठर दुण है छत्तीस तो छत्तीस एकक घरे अच्छे छ छ को ये लिखा तीन रहा आमर ये जगह रही थ्री तो नाइन को आम कौन करवा नाइन रुणी एगेन आम यार स्क्वायर बाहर करवा नाइन स्क्वायर होगा एट्टी वन एट्टी वन प्लस थ्री होगा एट्टी फोर तो बर्तमान नाइंटी टू स्क्वायर होगा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर तो ये आम लिखिपर एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर माइनस टू रहा एक्स वाई जगह आम के लिखा एक्स वाई जगह आम लिखा तार वैल्यू फोर तेनाली फोर होगा ये स्क्वायर तो बर्तमान ये आंसर कैसे बाहर एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर माइनस लिखा टू रहा फोर स्क्वायर होगा सिक्सटीन ता सागर आम मल्टीप्लाई करें इक्वल टू एट फोर सिक्स फोर माइनस सिक्सटीन को टू में मल्टीप्लाई कले बतीस बाहर लाइट एवं आस तुम माइनस करके तार फाइनाल आंसर टी बाहर कर चार रु दुई गला दुई रहा छः रु तीन गले तीन रहा आठ चार तो आम आंसर टी होगा आठ हजार चार शौ बतीस। एवं यही क्वेश्चन टी देखो क्वेश्चन टी अच्छे इफ ए इक्वल टू रुट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय रुट फाइव माइनस वन एंड बी इक्वल टू रुट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय रुट फाइव प्लस वन तेल आमको आंसर टी कौन बाहर करने पड़ो देन दि वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
एठारे क्वेश्चन टी को जदि आमे भल भाबरे देखिबा ताले क्वेश्चन टी आमको कोन बाहर करिया पई दिया हिची ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आमे किंतु ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला कोन जानिथिले सेठी थिले आमको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किंतु क्वेश्चन आमको कोन दिया हिची क्वेश्चन बाहर करिया पई कह हिची ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए जगह आमे टू ए बी जानिथिले ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला रे थिले ताले एठी आमको गोटे ए बी माइनस करिया पई पड़िबो ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला रो आमको गोटे ए बी एठी माइनस कर देले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला मिलि जिवो ताले एठी आमे लेखि परिबा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस लेखिबा ए बी ताले जाई आमे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पाई परिबा ठीक सही भले आमे आउ किबल भाबरे याकु पाई परिबा जदि मु लेखिबी ए माइनस बी रो होल स्क्वायर ताले ए माइनस बी रो होल स्क्वायर कोन थिला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर थिला एठे जदि आमको माइनस टू ए बी जगह आमको ए बी आने पड़ो ताल आमको कौन करने पड़ो प्रथम आमको माइनस टू ए बी को कैनसल करने पड़ो माइनस टू ए बी को कैनसल करने आमको प्रथम प्लस टू ए बी एड करने पड़ो तापर जामको एगेन आउ थे ए बी ने आउ थे ए बी एड कले जाइए ये जगह आमको ए बी पाई तेल यार फर्मुला हो माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस ये लिखा आम थ्री ए बी थ्री ए बी कहीं लिखे कहीं ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला थी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो से ही माइनस टू ए बी को कैनसल करने आमको प्लस टू ए बी ना दरकार पुणी एगेन आमको यही फर्मुला पहुंचापी हेल्ले आउ गोटे ए बी को आमको एड करने दरकार तेना से जगह आम टोटाल कौन पाइले से दुटा ए बी थी ए जगह गोटे ए बी टोटाल होगा थ्री ए बी तेना बर्तन आमको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दुईट फर्मुला मिलगला ठीक से ही भाई ए जगह आमको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखाई तार फर्मुला कौन कौन हो पार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ आम कौन लिखिपर यहाँ आम ए माइनस बी रो होल स्क्वायर लिखिले ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला कौन थी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो से जगह माइनस टू ए बी थी ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला आम पाचे माइनस टू ए बी कि ए जगह आमको क्वेश्चन दिखाई माइनस ए बी ताले माइनस टू ए बी रु गोटे ए बी को आमको कैनसल करने पड़ो तो माइनस टू को कैनसल करने आमको एड करने पड़ो गोटे ए बी को ताले एठी आम लिखा प्लस ए बी ताले यार फर्मुला मिलगला ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस ए बी लिखे जाए पार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक से भाव में जब आम ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ता फर्मुला बाहर करने चाहिए तेल एटी आम कौन लिखा ए जगह आम लिखिपर ए प्लस बी रो होल स्क्वायर रो फर्मुला आमको मिलला प्लस टू ए बी तो आमको प्लस टू ए बी को प्रथम कैनसल करने पड़ो तो आम माइनस करवा से जगह माइनस करने पड़ो टू ए बी को ठीक से भाई एगेन आमको माइनस ए बी पाइबा हेल्ले आउ थे ए बी को माइनस करने पड़ो तो टोटाल आमको तीनो ए बी को माइनस करने पड़ो तो माइनस थ्री ए बी आम ये लिखिपर बर्तमान आमको ये जगह ये फर्मुला को अप्लाई करने पड़ो तो बर्तमान जोटा क्वेश्चन था से क्वेश्चन टाक आम कि लिखिपर ये मुझे लिखुची इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से जगह आम कौ फर्मुला अप्लाई करवा प्रथम फर्मुला को अप्लाई करवा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर को कहीं क्वेश्चन आम ए प्लस बी पाइपर ए बी मिल पार मल्टीप्लाई कले बी पाइप तो बर्तन आपको आम लिखिपर ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस लिखा ए बी ठीक अच्छे तले लिखा आम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फर्मुला तो से जगह मैं आमको दुईट फर्मुला अच्छी गोटे ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस ए बी आ गए ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस थ्री तो आमको ये कौ फर्मुला चूज कले आमको क्वेश्चन टे सल्व करने आमको इजी हम दुईटा जाक हो पार्बे कितना आमको सहजे कौटे मिल जाइपर ये आपको देखो आम ए जगह ए प्लस बी रो भैल्यू बाहर करेंगे जदि मुझे ए माइनस बी लिखुची ये फर्मुलाटा जब अप्लाई करी तेल मतलब प्रथम ए प्लस बी बाहर करने पड़ो पुणी तल स्टेपटा को क्लीयर करने से जगह पुणी आउ थे ए माइनस बी रो भैल्यू कैसे बाहर करने पड़ो तो मतलब डबल काम ये करने पड़ो जदि मुझे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला लिखुची तेल ये ए प्लस बी रो भैल्यू बाहर जाइए से भैल्यू को ये जगह डायरेक्ट पुट करदे एनसर मतलब सहजे मिल जाइपर तो मुझे ये जगह ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला अप्लाई करी आपड़ जहाँ भी करेंगे उपर जो जिनसा नहीं थे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर जब पकड़ते से फर्मुलाटा तो तले भी यार ए प्लस बी देखिए ये फर्मुलाटा आप अप्लाई करते आपको इजिली हो पारे जब आप ऊपर ए माइनस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला को लेकिन सल्व करने चाहते तेल तौक भी आप माइनस बी रो होल स्क्वायर फर्मुला लिखिकी सल्व कले जिनसा आपको बस एनसर आपको सहजे मिल जाइपर ठीक अच्छे बर्तमान ये लिखा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस लिखा थ्री ए बी बर्तमान देखो यह आमको मिलगला ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस ए बी तो बर्तमान आमको भैल्यू गुड़ को पुट करने पड़ो तो आमको ए प्लस बी दरकार ए प्लस बी मैंने क्वेश्चन आमको ये दिखाई ए इक्वल टू रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस वन बी अच्छी रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस वन तो बर्तमान आम आगे से भैल्यू गुड़ा को बाहर करना ए प्लस बी दिखाई मुझे जगह ए प्लस बी बाहर करूँ दुटार भैल्यू मुझे एड करी ए प्लस बी ए प्लस बी ए जगह के ए जगह थी रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस वन ठीक से भाई बी रो भैल्यू थी रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस वन याको जब आम सल्व करवा ये से भाई आमको एलसीएम नाप पड़ो एलसीएम ये आम नहीं जाए ये देखा एथर आमको कौन फैक्टर कौन गुणनीयक साधारण मिल पार ना तो आमको ये दुटा को मल्टीप्लाई करके रखा पड़ो माइनस के रूट फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई है क्या सहित रूट फाइव प्लस वन सहित तो बर्तमान आम एलसीएम नहींगले ये आमको कौन करने पड़ो हर को लेकिन
लसागु सहित एलसीएम सहित हरण करने पड़ो डिवाइड करने पड़ो तो डिवाइड करने द्वारा रुट फाइव माइनस वन एटी रुट फाइव माइनस वन सहित कैनसल हो रहा कि रुट फाइव प्लस वन ताको मल्टीप्लाई करने पड़ो रुट फाइव प्लस वन सहित तेनाली आम लिखिपर रुट फाइव प्लस वन रही आमको स्क्वेयर मिलला कहीं दुई थर मल्टीप्लाई हेले आम स्क्वेयर आकार लिखा प्लस रहा रुट फाइव प्लस वन ये डिवाइड होगा रुट फाइव प्लस वन सहित रहा किए रुट फाइव माइनस वन आपको आ सहित मल्टीप्लाई करते हैं रुट फाइव माइनस वन होल स्क्वायर होगा तो बर्तन आपठी देखिपे ये जगह आमको दुईट फर्मुला आउ थे मिल जाइपाला ये जगह अच्छी आपड़ रुट फाइव को मन मन ए भावतु वन जब बी भावुँचे इटे कौन मिलला फर्मुला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ये अच्छी ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको ये जगह कौन देखाई ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर तो यार फर्मुला कौन यार फर्मुला हूँ टू होल इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुला है टू होल इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक से भाई तले जब आप देखते ये रुट फाइव माइनस वन अच्छी ये रुट फाइव प्लस वन ए जगह या ने यहाँ बी ये से ए अच्छी जगह ये बी अच्छी ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी फर्मुला पड़ा यार फर्मुला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बर्तमान आम यही फर्मुला गुडा एप्लाई करके इजिली यार भैल्यू बाहर करें तो ये कैसे हम जदि आम उपरटे से ये फर्मुला एप्लाई करवा ये आपको लिखा पड़ो टू होल इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू होल इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे कैसे हम टू रहा ए क्या निहित रुट फाइव तेनाली रुट फाइव स्क्वायर आस रुट फाइव स्क्वायर प्लस कैसे हो किए बी है वन वन स्क्वायर हो डिवाइडेड बाय एटी आर भैल्यू कैसे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कहीं ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फर्मुला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तेनाली ए स्क्वायर जगह रुट फाइव स्क्वायर माइनस बी जगह वन स्क्वायर एवं यार भैल्यू बाहर कर दिंतु टू रहा रुट फाइव स्क्वायर मैंने फाइव हम रुट फाइव स्क्वायर रुट आउ स्क्वायर दुई जन कैनसल होती फाइव रहा प्लस कैसे है वन स्क्वायर मैंने वन बाहर तले कैसे अच्छे देखते रुट फाइव स्क्वायर है फाइव माइनस वन स्क्वायर है वन तो ये जगह कैसे है टू रहा फाइव प्लस वन के सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव रू वन को माइनस कले बाहर फोर तो ये देखो छजे के बाहर ये ये आम काटिदार टू रटिदे ये वन रहा टू रटिदे टू है टू रटिदे वन है ये टू रटिदे थ्री है तो बर्तन आमको एनसर कैसे बाहर ये जगह थ्री बाहर एवं देखो आमको ये जगह ए प्लस बी रैल्यू बाहरी गला ये कैसे लिखाई ए प्लस बी आम ए प्लस बी रैल्यू पाई ए प्लस बी मैंने कौन थे ये देखो आपको आपको सल्व करने पड़ता था ए प्लस बी लिखाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी आमको ए प्लस बी होल स्क्वायर भैल्यू बाहर करने पड़ो तो ए प्लस बी कैसे पाला ए प्लस बी है ए प्लस बी रैल्यू कैसे थ्री बाहर आमको ए प्लस बी रैल्यू जना अच्छी थ्री तेनाली जगह आम ए प्लस बी जगह थ्री लिखा थ्री स्क्वायर है माइनस ए बी लिखापे पड़ो ए बी तो देना क्वेश्चन कि बी सहित मल्टीप्लाई करके ए रैल्यू बाहर करें आपड़ क्वेश्चन टी देखे जानपरेंगे जे ए जगह ए लोब जगह न्यूमेरेटर में रुट फाइव प्लस वन थी बेले बी डिनोमिनेटर में सही संख्याटा ही अच्छी रुट फाइव प्लस वन तो जो आम दुटा को गुणन करवा मल्टीप्लाई करवा ये लोब आउ हर कैनसल हो ठीक से भाया बी रखुदूँ तार लोब में न्यूमेरेटर में रुट फाइव माइनस वन थी बेले ए डिनोमिनेटर में हर में रुट फाइव माइनस वन रही है जेहतु ये सामान अच्छा पुणी कैनसल जाइपारे तो आम ये जानते ए को बी सहित मल्टीप्लाई कले तार भैल्यू बाहर वन तेनाली आम ए जगह कैसे लिखा वन लिखा या पर देखो से भाया तले दिखाई ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए प्लस बी रैल्यू बाहर करते थ्री तो थ्री स्क्वायर लिखिपर माइनस ये अच्छे कैसे थ्री ए बी थ्री जगह थ्री रहा ए बी जगह ए रैल्यू है वन वन सहित थ्री को मल्टीप्लाई कले थ्री बाहर एवं देखते कैसे बाहर थ्री स्क्वायर होगा नाइन माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री एटी स्क्वायर लिखा नाइन माइनस लिखा थ्री नाइन रू वन गले एट डिवाइडेड बाय नाइन रू थ्री गले ये सिक्स या कैनसल करदे टू रटिले ये थ्री या टू रटिले ये फोर आमर एनसर बाहर फोर बाय थ्री।